हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सी का प्रोग्राम लाइव बना stdio.h। तो फ्रेंड्स, ये एक हेडर फाइल है। .h जो होता है वो हेडर फाइल होता है जो इस डेटा के बेस के अंदर डेटा जो है स्टोर होता है, जो सी के अंदर जो कंपाइलर है उसको पता होता है कि ये एक हेडर फाइल है। इसके बाद आता है conio.h। इससे पहले stdio.h के फुल फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। जो भी बटन अपन प्रेस कर रहे हैं प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले में शो करेगा, इसी को कहा जाता है stdio.h। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये क्या काम करता है, ये सबसे लास्ट में गेट सी एच जो है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है वी ओ आई डी एम ए आई एन। इसका मतलब होता है कोई भी प्रकार की वैल्यू जो है रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस क्या करता है, जब भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका जो कंपाइलर होता है इससे स्टार्ट होता है, उससे उसको पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको बताता हूं कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, दो जो नंबर है उसको ऐड करना है। तो इसमें जो दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये क्या है, आईएनटी लिखा है वो क्या है, तो आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। अगर आप थोड़ा बहुत भी सी के बारे में जानते हैं तो आईएनटी मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर टाइप का डेटा मैं ले रहा हूं और ए बी क्या है, ये ए और जो बी है वो जो है वेरिएबल है। मेमोरी की लोकेशन को दिया गया नाम क्या होता है, वेरिएबल होता है। ए बी और आंसर, ए के अंदर और बी के अंदर मैं क्या डालूंगा, तो फ्रेंड्स ए के अंदर मैं 5 वैल्यू जो भी नंबर डालना है, ए के अंदर मैं 5 डालूंगा, बी के अंदर मैं 5 डालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो वो आंसर आएगा। तो ये तीनों क्या है, ये जो तीनों ग्रीन कलर में जो ब्लिंक कर रहा है, जो तीनों जल रहे हैं या दिख रहे हैं आपको, वो जो है वेरिएबल होता है। इसके बाद है क्लियर स्क्रीन। अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं करोगे तो भी प्रोग्राम सक्सेसफुल रन करेगा, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा है तो उसके लिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या करता है, जब भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये क्या करेगा, इंटर अ नंबर। जैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा, इसके बाद आपको एक मैसेज शो करेगा कि नंबर जो है इंटर करो। इसके बाद स्कैन एफ क्या करेगा, जैसे कि मैं नंबर यहाँ प्रिंट एफ में मैंने नंबर जो है 5 डाल दिया, तो क्या करेगा, जो 5 है वो स्कैन करेगा और वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आएगा प्रिंट एफ फिर से आएगा, दूसरा नंबर एंटर करो, तो स्कैन एफ क्या करेगा, जो अपन 5 नंबर फिर से डाल रहे हैं उसको स्कैन करेगा। इसके बाद क्या होगा, सिंपल आपको पता ही है ऐड करना है दो नंबर को, तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी को जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, आंसर बराबर ए प्लस बी, आंसर बराबर ए प्लस बी, आंसर यानी तीसरा नंबर, तो इसको मैं आंसर बराबर ए प्लस बी करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, प्रिंट एफ और स्लैश एंड करूंगा क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो स्लैश एंड का यूज करेगा। इसके बाद ऐड इज, यानी जो नंबर अपन लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या है, परसेंट डी। अब आपका क्वेश्चन होगा परसेंट डी क्यों यूज किया गया, तो परसेंट डी का मतलब होता है इंटीजर। अगर मैं यहाँ इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहा हूं तो यहां मैं परसेंट डी यूज करूंगा। अगर मैं कैरेक्टर लेना चाहता हूं, यानी कि दो जो शब्द है उसको जोड़ने के लिए यहां मैं कैरेक्टर का यूज कर सकता हूं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहां जो है सी आता क्योंकि मैं कैरेक्टर यूज कर रहा हूं, अभी मैं इंटीजर यूज कर रहा हूं, परसेंट डी आएगा। इसके बाद डबल कोटेशन के बाद यहां डॉट लगाना है, इसके बाद जो है आंसर को लिख देना है, वो आपको सिंपली शो करेगा। गेट सी एच नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा, लेकिन गेट सी एच जो है स्क्रीन में जो ब्लैक स्क्रीन होता है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस ऑफ, क्योंकि इससे उसको पता चलता है कि जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ये आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम का जो लिंक है वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको कॉपी करके डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेके आते रहूंगा, आपको कुछ नॉलेज देना मेरा फर्ज होता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लेके आऊंगा।